इन दिनों महाराष्ट्र के पुणे शहर में 3 दिवसीय अफगानिस्तान फिल्म महोत्सव चल रहा है। 17 मई से शुरू हुए इस फिल्म महोत्सव में 50 और 60 के दशक की कुछ चुनिंदा अफगान फिल्मों की स्क्रीनिंग की जा रही है। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत शैदा एम अब्दाली ने फिल्म उत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि इससे भारत और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर से कला और फिल्मों के जरिए पुराने संबंधों को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। The films that we produced in the 60s, most of the artists had been trained in India, especially in Pune, from here. So I hope we will revive that ties back and make the strong bonds that we had long time back. Siddiq Barmek, Atiq Rahimi और महिला निर्देशक रोया सादात जैसे प्रसिद्ध अफगान फिल्म निर्माता समारोह में उपस्थित हुए। अफगान फिल्म निर्माता सिद्दीक बारमेक को अफगानिस्तान में एक फिल्म की शूटिंग करते हुए किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, फिल्म में उन कठिनाइयों पर भी प्रकाश डाला गया है। Sometimes, of course, by very old interpretation of religious or tradition or absence of a good quality of professionals make a lot of difficulties. But I think sometimes these difficulties are making the film. These difficulties putting you on the not putting you on the corner, but giving you more advantage to create something, to find out the solution. So it's a creativity. पहले बॉलीवुड की ढेरों फिल्मों की शूटिंग अफगानिस्तान में हुआ करती थी, लेकिन वहां की आंतरिक स्थिति के चलते इस चलन पर लगाम लग गया था। उम्मीद की जा रही है कि इस फिल्म महोत्सव के जरिए अफगानिस्तान में फिर से बॉलीवुड फिल्मों के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD News।